Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बात साल 1997 की है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे गोरखा राइफल का हिस्सा बने। साधारण स्वभाव के मनोज बचपन से ही सीधे साधे थे। शुद्ध शाकाहारी खाना खाते थे और शराब को तो छूते तक नहीं थे। लेकिन गोरखा रेजिमेंट की एक परंपरा थी कि दशहरे के दिन यूनिट का सबसे नया सिपाही ही बकरे की बलि देता था। मनोज के लिए ये बेहद मुश्किल था, लेकिन करके तो दिखाना ही था। सो उन्होंने बकरे की बलि दी और उस दिन से जो साहस उनके अंदर भरा, उसका नतीजा ये रहा कि करगिल की जंग में उन्होंने दुश्मन के गले तो काटे ही, उनके बंकरों को भी अकेले ही तबाह कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और आज करगिल विजय दिवस पर मैं आपको सुनाऊंगी करगिल के वीरों के शौर्य की कुछ कहानियाँ। करगिल हिमालय पर है, जो श्रीनगर से 215 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हिस्सा जोजिला पास के बंद होने की वजह से करीब 7 महीने देश से अलग रहता है। उन दिनों करगिल के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता था। अगर कोई कहता कि वो करगिल से आया है, तो शायद सामने वाले का अगला सवाल ये ही होता कि करगिल वो कहाँ है। लेकिन 1999 के बाद हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा करगिल के बारे में जानने लगा। बात है 2 मई साल 1999 की। ताशी नाम का एक चरवाहा अपना याक खोजने के लिए घूम रहा था। तब उसने देखा कि करगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के भेष में बैठी है। ताशी ने इसकी जानकारी रास्ते में मिले सेना के एक जवान को दी। पहले तो लगा कि बातचीत से ही सब कुछ निपट जाएगा, लेकिन 10 मई को कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी जब पेट्रोलिंग पर निकले, तो पाकिस्तान के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। तब समझ आ गया कि पाकिस्तान की तरफ से जंग की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान करगिल के 80 किलोमीटर तक अंदर घुस चुका था। उस वक्त मौसम भी ऐसा था कि पाकिस्तान की पोजीशन ज्यादा ताकतवर थी। उनकी पोजीशन इतनी सटीक थी कि 10 दुश्मन भारतीय सेना के सैकड़ों जवानों पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की ठानी और दुश्मनों को अपनी जमीन से दूर भगाने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। उस वक्त मनोज पांडे सियाचिन की ड्यूटी पर थे। उन्हें करगिल से बुलावा आया। सिर्फ 24 साल के मनोज को बेहद ठंडे और कठिन खालोबार की पहाड़ियों पर लड़ना था। खालोबार टॉप के दूसरी तरफ ही पाकिस्तान के बंकर थे। भारतीय सेना ने योजना बनाई कि रात को वो उन पहाड़ियों पर चढ़ाई शुरू करेंगे और सुबह दुश्मन को सरप्राइजिंगली खत्म कर देंगे। लेकिन उन पहाड़ियों पर चढ़ना इतना कोई आसान काम नहीं था। भयानक ठंड, खाने को सिर्फ सूखी बासी पूरियां और पीने को एक बूंद पानी तक नहीं। लेकिन फिर भी मनोज ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और अपने कुछ साथियों के साथ वो खालोबार टॉप की तरफ बढ़ चले। बताया जाता है कि उस वक्त तापमान 0 से नीचे जा रहा था, लेकिन सीधी चढ़ाई और इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने की वजह से भारतीय सैनिकों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। हर सैनिक के पास जितना पानी था वो आधे रास्ते में ही खत्म हो चुका था और चारों तरफ जो बर्फ बिछी पड़ी थी उस पर इतना बारूद फैल गया था कि उसे खाया नहीं जा सकता था। मनोज ने अपने सूखे होठों पर जी फिराकर ही अपनी प्यास बुझा ली और वो आगे चढ़ते चले गए अपने साथियों के साथ। सुबह दिन उगने से पहले ही मनोज अपने कुछ साथियों के साथ टॉप पर पहुंच चुके थे, लेकिन दुश्मनों को वे नजर आ गए। दुश्मनों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन मनोज फिर भी पीछे नहीं हटे। एक के बाद एक कई ग्रेनेड फेंक कर उन्होंने दुश्मनों के 3 बंकर अकेले ही उड़ा दिए। लेकिन जब चौथा बंकर वो खत्म करने वाले थे, तभी पाकिस्तान की तरफ से गोली आई और उनके माथे के बीचों बीच लगी और वो शहीद हो गए। लेकिन मनोज की शहादत ने उनके साथियों को गुस्से और जोश से भर दिया। ऐसे ही अनेक वीर शहीद हुए और आखिरकार भारतीय सेना के जज्बे के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। कहा जाता है कि साल 1999 में करगिल के युद्ध शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही जनरल परवेज मुशर्रफ हेलीकॉप्टर से भारत आए थे। भारतीय सीमा के 11 किलोमीटर अंदर जिकारिया मुस्तकार में उन्होंने एक रात भी बिताई थी। मुशर्रफ को ये लगा था कि मौसम उनके साथ है और सब कुछ सही रहा तो साल 1965 और 1971 की जंग में जो उनकी हार हुई थी वो उसका बदला ले लेंगे। लेकिन ये ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। भले ही कारगिल लड़ाई उम्मीद से ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन जमीन पर हमारी सेना के साहस और आसमान में हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान की हालत खस्ता करके रख दी।
करगिल युद्ध में पाकिस्तान ने करीब 3,000 सैनिक खोए। इस लड़ाई में उन्हें 1965 और 1971 की लड़ाई से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। नवाज शरीफ ने भी ये माना कि करगिल की जंग पाकिस्तान के लिए एक आपदा साबित हुई थी। 1999 में लड़े गए इस युद्ध में करीब 2.5 लाख गोले और रॉकेट दागे गए। 300 से ज्यादा तोपों और मोर्टार और रॉकेट लॉन्चरों से रोजाना करीब 5,000 बम फायर किए जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज्यादा बमबारी की थी। यही जंग थी जब पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत की फौज के आगे वो कभी नहीं टिक पाएगा। आज कारगिल दिवस पर हम देश के सभी शहीदों को सलाम करते हैं। देश के लिए जान गंवाने वाले ये शहीद ही हैं हमारे इस हफ्ते के फेस ऑफ वीक। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं, और इसे अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।